नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिक मास्टर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज दूसरा T20 मुकाबला खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम ने सबसे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शिखर धवन ने काफी अच्छी शुरुआत की थी, जिसमें दोनों ने मिलकर 67 रन की साझेदारी बनाई थी। उसके बाद शिखर धवन कीमो पॉल की बॉल पे बोल्ड हो गए थे और उन्होंने अपनी टीम के लिए 23 रन जोड़े हैं। और रोहित शर्मा ने 67 रन की काफी खूबसूरत पारी खेली थी और उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के की मदद से अपने 67 रन पूरे किए थे। लेकिन ऑसिम थॉमस की बॉल पे उन्होंने भी हैटमैन को कैच देके अपना विकेट खो दिया था। उसके बाद विराट कोहली ने 28 रन, ऋषभ पंत ने 4 रन, मनीष पांडे ने 6 और कृणाल पांड्या और रविन्द्र जडेजा 20 और 9 रन पे नाबाद रहे थे। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए तो इंडिया ने 167 रन अपने 5 विकेट खोके 20 ओवर में बनाए हैं और 168 रन का टारगेट दिया है वेस्टइंडीज को। अब बात करें वेस्टइंडीज की गेंदबाजी की तो ऑसिम थॉमस और शेल्डन कटल ने यहाँ पे अपनी 2-2 विकेट लिए हैं और वहीं बात करें तो कीमो पॉल ने भी 1 विकेट आसानी से यहाँ पे निकालने में सफल हुए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल क्रिक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, साथ के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 168 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम की शुरुआत काफी खराब रही। वेस्टइंडीज ने अपने 3 ओवर में अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट एविन लेविस और सुनील नारायण के रूप में खो दिए। उसके बाद वेस्टइंडीज की तरफ से पूरन और पवल ने पारी को संभाला है। पूरन ने अपने 19 रन बनाए हैं और वहीं बात करें तो पवल ने काफी अच्छी 54 रन की पारी खेली है, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के की मदद से अपने 54 रन 34 बॉल में बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पे किरण पोलार्ड और सिमरन हेटमेर 8 और 6 रन पे अभी भी खेल रहे हैं। बात करें गेंदबाजी की तो कृणाल पांड्या ने यहाँ पे 2 विकेट चटकाए हैं और वासिकटन सुंदर और भुवनेश्वर कुमार ने 1-1 विकेट लेने में सफल हुए हैं। और अब वहाँ पे बैड वेदर के कारण से मैच को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है और अभी भी वेस्टइंडीज को जीतने के लिए 27 बॉल में 70 रन की जरूरत है, जो शायद वेस्टइंडीज के लिए अब नामुमकिन होगा। तो देखना ये होगा कि क्या यहाँ से मैच फिर से स्टार्ट होता है या फिर रद्द कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।